Hi kids, welcome to your SST class and I'm your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson, rather the last lesson of your book, that is Jelly Bean Journeys for Class 3 by Brainroot Publication. Children, today we are going to learn a very important chapter, that is fire, that is discovery of fire, yani aapki discovery, aapki khoj kaise hui thi. Alright, early human beings तो एक जगह से तो दूसरी जगह भटकते रहते थे. उन्हें ना तो खाना बनाना आता था ना उगाना आता था. फिर एक दिन उन्होंने आग का डिस्कवरी किया, यानी फायर इन्वेंट किया. और उसके बाद उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आया, लाइफ कैसे चेंज हो गई एकदम से, हम उसके बारे में आज जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्कवरी ऑफ फायर, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड इन्वेंशन ऑफ व्हील. But before this, create an idea board below to show early humans lived their life. Draw your ideas in the boxes. Here are four boxes given. आपको draw करके बताना है कि early human beings खाना कैसे खाते होंगे, किस तरीके का shelter होता होगा, यानी रहते कहाँ होंगे, कैसे hunt करते होंगे और एक दूसरे से communicate कैसे करते होंगे. Right? So, खाने में तो वो लोग फल, सब्जी और एनिमल फ्लैश खाते थे, मीट खाते थे. शेल्टर वो ज़्यादातर गुफाओं में रहते थे. हंटिंग के लिए वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे, जैसे पत्थर, स्टोन्स और भाले, स्पीयर्स वगैरह. और कम्युनिकेशन के लिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि कम्युनिकेशन के लिए वो साइन लैंग्वेजेस या पिक्चर्स यूज़ करते थे. राइट, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. अर्ली ह्यूमंस लिव्ड अ हार्ड लाइफ. द मेन प्रॉब्लम वॉज फूड. उनका जो मेन प्रॉब्लम है वो था खाना. वो एक जगह से दूसरी जगह खाने को ढूंढते हुए भटकते रहते थे. दे कलेक्टेड फ्रूट्स, प्लांट्स, फ्रूट फ्रॉम ट्रीज. व्हेन फूड एट वन प्लेस वाज नॉट अवेलेबल, देन दे मूव टू अनदर प्लेस. यानी एक जगह वो कुछ दिनों रुकते थे, वहाँ का जब खाना ख़त्म होने लगता था तब वो दूसरी जगह जाते थे. सो दे वॉन्डर्ड, यानी कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रोमिंग हेयर एंड देयर. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, किसकी खोज में, खाने की खोज में. However, over the time, they made certain remarkable discoveries and inventions that improved their lives for better. यानी कि जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, early humans ने कई चीज़ें ऐसी discover की जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई और better हो गई. ये क्या क्या discoveries थी, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. देखो, early human beings hunt करने के लिए, शिकार की खोज में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं. डिस्कवरी ऑफ फायर, सबसे इम्पॉर्टेंट खोज जो अर्ली ह्यूमन्स ने की थी वो था आग, यानी डिस्कवरी ऑफ फायर. नोबडी नोज हाउ फायर वाज डिस्कवर्ड. ये तो ठीक से नहीं बताया जा सकता कि आग कैसे डिस्कवर हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अर्ली ह्यूमन्स ने शायद कभी कोई फॉरेस्ट फायर देख लिया हो, या जंगल में आग लगी हुई देख लिया हो. बिजली कड़कने की वजह से कई बार अगर बहुत तेज़ बिजली गिरती है तो आग लग जाती है जंगल में, तो शायद तब अर्ली ह्यूमन बींग्स ने फायर देखा हो. दे वर स्केयर्ड ऑफ फायर बट दे नोटिस दैट सो वर द एनिमल्स. वो खुद तो आग से डरे ही, लेकिन उन्होंने देखा कि एनिमल्स भी जो हैं वो भी आग से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. फायर हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस टू कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे. फायर की वजह से जो है अब एनिमल्स उनके आसपास नहीं आएंगे. द अर्ली ह्यूमंस रियलाइज दैट फायर कुड बी यूजफुल फॉर देम इन फॉलोइंग वेज. अब फायर को यूज़ करके वो कई तरह के अपने और काम कर सकते हैं, जैसे कि फायर केप्ट वाइल्ड एनिमल्स अवे, है ना. आग से जो है जंगली जानवर से वो अपने आप को बचा सकते हैं क्योंकि जानवर उनके आसपास नहीं आएंगे. इट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बच पाएंगे क्योंकि आग जलाने से गर्मी लगती है. इट ऑल्सो हेल्प देम टू इल्यूमिनेट द डार्क केव्स. यानी पहले वो अंधेरे में रहते थे, अब रोशनी में, यानी उजाले में रह सकते हैं. इट वॉज प्रोबेबली बाई एन एक्सीडेंट दैट अ पीस ऑफ मीट फेल इन टू फायर एंड इट टेस्टेड बेटर टू अर्ली ह्यूमंस. ऐसा हुआ होगा कि कभी आग में गलती से उनके हाथ से जो है एक टुकड़ा जो मीट या फ्लैश का गिर गया होगा, और जब उन्होंने उसको निकाला खाने के लिए और टेस्ट किया तो वो ज़्यादा बेटर लगा, टेस्टी लगा. तब उन्होंने खाना पकाना सीखा, यानी फर्स्ट टाइम उन्होंने खाने को कुक करना सीखा. मच लेटर ह्यूमंस लर्न टू लाइट फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स लेटर. और धीरे धीरे उन्होंने आग जलाना सीख लिया
दो पत्थरों को आपस में घिस के. ऑलराइट, सो द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर एवर. जैसे ही उन्होंने फायर डिस्कवर किया, उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स जो है अपने आप सॉल्व होती चली गई. जैसे कि अब वो खाना पका के खा सकते थे, जो जंगली जानवरों का उनको डर नहीं था, रात को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता था उन्हें, और साथ ही में उनको जब भी ठंड लगती वो आग जला के खुद को गर्म रख सकते थे. राइट, ठंड से खुद को बचा सकते थे. द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई वो है फार्मिंग, यानी खेतों का. कैसे, कब सीखा अर्ली मैन ने खाना उगाना. वी हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन्स वर नोमैड्स. नोमैड्स मतलब बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते थे, वो एक जगह पे कभी भी नहीं टिके रहते थे. अ मेजर चेंज अकर्ड व्हेन अर्ली ह्यूमन्स शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स. जब खाना सिर्फ कलेक्ट करने की जगह वो खाने को उगाने लगे, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चेंज था. दिस वुड हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अर्ली ह्यूमन स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन. जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट थे, वो अपने आसपास की चीज़ों को बहुत गहराई से देखते थे, ध्यान से देखते थे, ताकि वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके चीज़ों को याद रख सके और सीख सके. एक बार उन्होंने देखा कि जब भी वो खाना खाकर चीज़ों के बीज को फेंक देते हैं, तो उन बीजों से कुछ दिनों बाद जो है छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं. उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया, बहुत ध्यान से देखना शुरू किया. हर बार जब भी वो कोई खाना खाते और बीज को फेंकते फल खाने के बाद, कुछ दिनों बाद देखते कि उस बीज में से पेड़ निकलना शुरू हो गया है, छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए. तब अर्ली ह्यूमन्स ने ये तय कर लिया कि इसका मतलब सीड्स के थ्रू हम प्लांट्स उगा सकते हैं, यानी पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं. With time, fruits appeared on them. This is how early humans learned the skill of growing food. इस तरीके से उन्होंने सीखा कि पेड़ पौधों से, मतलब पेड़ पौधों के जो बीज है, फलों के जो बीज है, उनसे नए पेड़ पौधे और आगे और फल उगाए जा सकते हैं. Important fun fact, early humans used animal skins to cover their bodies. पहले कपड़े तो होते नहीं थे, तो वो जो animals की खाल है उसी को निकाल कर कपड़ों की तरह लपेट लेते थे. दे यूज टू हंट एनिमल्स टू मेक क्लोथ फ्रॉम देयर स्किन. वो लोग एनिमल्स का शिकार करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए. दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. द मोमेंट लोगों ने खाना उगाना शुरू किया, उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई. पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, अब वो एक जगह जगह पे सेटल होने लगे, यानी बसने लगे. Now, instead of wandering in search of food, early humans could stay in one place and grow their own food. Since the early humans no longer had to wander in search of food, they had some free time. अब उनके पास टाइम मिल गया, बच गया. पहले तो उन्हें दिन भर भटकते रहना पड़ता था खाने के लिए या शेल्टर के लिए. अब जब उन्होंने खाना उगाना सीख लिया, तो वो एक जगह पे टिक के अपनी प्लांट्स को उगाने लगे, उनकी देखभाल करने लगे, तो उनके पास समय बच जाता था, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ता था. तो इस समय में उन्होंने दूसरे काम करने शुरू कर दिए. दे स्पेंड देयर टाइम इन पेंटिंग द वॉल्स ऑफ द केव्स एंड अदर एक्टिविटीज़. उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स बनानी शुरू की गुफाओं में, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया. अर्ली ह्यूमन्स मस्ट ऑल्सो हैव रियलाइज दैट प्लांट्स नीडेड वाटर एंड सॉइल टू ग्रो वेल. Such places were usually near the rivers. Therefore, they started settling down in small groups near the rivers. अब जब उन्होंने पेड़ पौधे उगाने शुरू किए, तब उन्होंने realize किया कि पेड़ों को अच्छे से grow करने के लिए मिट्टी और पानी की बहुत ज़रूरत है. तो उन्होंने नदी किनारे settle होना शुरू कर दिया. उन्होंने जो पेड़ पौधे हैं या settlement है, वो छोटे छोटे groups में collect होके नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिया. वहीं पर रहते और वहीं पर पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए. इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ, जिसने लाइफ को और इजी कर दिया, जो है इन्वेंशन ऑफ व्हील. अनदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील. अर्ली ह्यूमंस कैरीड हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई कैरिंग देम ऑन देयर बैक्स. पहले लोगों को पता नहीं था व्हील्स के बारे में, उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी. वो सारा जो बोझ है उसे अपने कंधों पर ढोकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे. राइट, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. ये बहुत ही ज़्यादा भारी और मुश्किल काम था.
Soon they learned to make carts on which loads could be carried from one place to another. उन्होंने धीरे धीरे carts बनाने शुरू किए जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाया जा सके, लेकिन वो carts भी बहुत भारी होते थे, उनको भी उठा के लेके जाना पड़ता था। अब इनमें व्हील्स तो होते नहीं थे, इसीलिए धीरे धीरे धकेल धकेल के, धक्का मार मार के इनको चलाया जाता था। ऑल राइट, दे कुड पुश और पुल देम ईजीली ओनली ऑन ग्राउंड लेवल, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल द कार्ट्स ऑन रफ एंड रॉकी ग्राउंड। जो उबड़ खाबड़ ज़मीन थी या ऊंची नीची जगह थी, वहाँ पर इन कार्ट्स को धक्का देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती थी, बहुत मुश्किल होता था। One day he might have noticed that round stone rolls over the ground easily. किसी दिन एक लकड़ी का बड़ा सा गोल टुकड़ा फिसल गया और उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो गोल टुकड़ा है ये बहुत ईजीली रोल कर रहा है, यानी ग्राउंड पे फिसलता हुआ चला जा रहा है। और फिर उन्हें आइडिया आया कि अगर वो इस तरह के गोल गोल लकड़ी के टुकड़े अपनी कार्ट्स के नीचे लगा दें तो मूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। Now they would have discovered that round pieces cut from the tree trunk roll easily. This is how wheel was discovered. Early humans fixed the wheels to their cart. इस तरह के लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े उन्होंने carts पे लगाने शुरू कर दिए और फिर उन carts को push किया तो देखा उनका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती थी और काफ़ी आसानी से चीज़ें भी जल्दी से जल्दी पहुँचाई जा सकती थी। Now they could easily pull their carts even on rocky ground. Traveling on land became quicker and easier. एक जगह से दूसरे जगह जाना भी काफ़ी ज़्यादा easy हो गया। Later they made carts that could be pulled by oxen. Thus the invention of wheel brought a revolutionary change in the life of early humans. तो इस तरीके से पहला transportation system develop हुआ। All right. So now let's see children. See. ये पहला व्हील था, इसके बाद व्हील में इस तरह से इम्प्रूवमेंट्स होते चले गए स्लोली एंड ग्रेजुअली। दीज आर द मॉडर्न व्हील्स जो आजकल हम लोग कार्स या ट्रांसपोर्ट्स में, व्हीकल्स में देखते हैं। ऑलराइट, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील, मतलब व्हील को कैसे कैसे धीरे धीरे इन्वेंट हुआ और फिर कैसे कैसे हमने इम्प्रूव किया। टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर इज डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है टू फाइंड समथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले से है लेकिन लोगों को पता नहीं थी उसके बारे में पता करना। इन्वेंशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग विच डिज नॉट एग्जिस्ट बिफोर, यानी ऐसा कोई चीज़ नया बनाना जो पहले कभी था ही नहीं। ऑल राइट, जैसे फायर पहले से ही था, अर्थ में फायर पहले से ही था, सिर्फ उसको डिस्कवर किया है, उसके बारे में लोगों को पता चला। और व्हील पहले नहीं था, व्हील को बाद में इन्वेंट किया गया है, बनाया गया है। ओके, लेट्स लुक ओवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी कवर्ड इन दिस चैप्टर। अर्ली ह्यूमंस मेड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स। ओके, द डिस्कवरी ऑफ फायर ड्रास्टिकली चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर एवर। येस, क्योंकि अब वो खाना पका के खाते थे, जानवरों से बच सकते थे, खुद को गर्म रख सकते थे, चारों तरफ रोशनी हो सकती थी तो रात को अंधेरे में नहीं रहते थे। द इन्वेंशन, अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड सेटलिंग इन ग्रुप्स आफ्टर फार्मिंग सीखने के बाद वो लोग सेटल होना शुरू हो गए, भटकते नहीं थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रैवल ऑन लैंड क्विकर एंड ईजियर। येस, द इन्वेंशन ऑफ व्हील बॉट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। राइट, बहुत सारे चेंजेस लाया। Now let's move towards the exercises. जल्दी से exercises कर लेते हैं। First, early men used animal skin to cover their body. अपनी body को cover करने के लिए, तब कपड़े तो होते नहीं थे, तो body को cover करने के लिए जानवरों की खाल इस्तेमाल की जाती थी, animal skin was used. Second, dash without wheels moved very slowly. Carts, बिना carts के उसको बहुत धक्का देना पड़ता था, बहुत धीरे धीरे चलती थी, ठीक है। थर्ड, अर्ली ह्यूमन्स वर नोमैड्स, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। फोर्थ, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लाइट फायर बाय मैचस्टिक, रबिंग पीसेज ऑफ स्टोन थ्रू मैजिक यूजिंग अ लाइटर। सो रबिंग पीसेज ऑफ स्टोन, पत्थरों को आपस में घिस कर। ओके, फिफ्थ, द फर्स्ट व्हील वर मेड ऑफ प्लास्टिक मेटल वुड और पेपर। वुड, सबसे पहले जो व्हील्स थे वो बड़े बड़े पेड़ के जो तने थे उनको गोल गोल पीसेज में काट के लकड़ी से बनाए जाते थे। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आइए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द डैश ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, द डिस्कवरी। ओके, द डिस्कवरी
नेक्स्ट सेकेंड डैश केप्ट द वाइल्ड एनिमल्स अवे फायर, फायर की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो आसपास नहीं आते. थर्ड अर्ली ह्यूमंस प्रोड्यूस डैश बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर फायर, ठीक है. फोर्थ द फूड बिकेम डैश व्हेन रोस्टेड ऑन फायर, द फूड बिकेम टेस्टी बेटर या टेस्टी, ठीक है. फिफ्थ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ व्हील अर्ली ह्यूमंस कैरीड हैवी थिंग्स ऑन देयर बैक, अपनी पीठ पर ढोकते थे. जब व्हील्स या कार्ट्स नहीं थे तो अपनी पीठ पर ढोके वो एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसपोर्ट करते थे. नाउ लेट्स कम टू अनदर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर सी, दैट इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर, येस दिस इज ट्रू. नेक्स्ट सेकेंड अर्ली ह्यूमंस लेड अ कम्फर्टेबल लाइफ, नो दे लेड अ हार्ड लाइफ, उनकी लाइफ आसान नहीं थी, काफ़ी सारी परेशानियाँ थी, तो ये कम्फर्टेबल गलत है, दे लेड अ हार्ड लाइफ. थर्ड फायर वॉज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली ह्यूमंस, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि फायर के बाद ही बहुत सारे और डिस्कवरीज हुई. फोर्थ द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड कैरिंग ऑफ लोड एंड ट्रैवलिंग ईजियर, येस ट्रू. फिफ्थ अर्ली ह्यूमंस फिक्स स्टोन टू देयर कार्ट, नो वुड. राइट, ऑल राइट, आई होप यू हैव डन द एक्सरसाइजेज. आप सभी ने सारी एक्सरसाइजेस को नोट कर लिया होगा अपनी बुक में. आइए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव एक्सरसाइज डी, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स. ये आपको खुद करने हैं, बट आई विल गिव यू द हिंट्स, सो लेट्स क्विकली डिस्कस देम. How was life of early humans? The life of early humans was very hard and difficult. They had to travel from one place to another in search of food and shelter. Second, how did early humans discover that cooking improved the taste of food? One day, accidentally, a piece of meat fell inside the fire. When they took out the meat and tasted it, they found that that meat was much more better than the raw meat. That made them realize that cooked food is tasty and better to eat. Third, how did the invention of wheel help the early human beings? The invention of wheel completely changed the life of early human beings. It was a revolutionary change. Wheel ke invention ke baad the life became very easy because now people could move from one place to another in a very easy manner. Also, they could carry heavy loads easily, which was earlier a difficult task. Fourth, what did early human realize about plants? Early human beings realized that whenever they eat any fruit and throw the seeds, from those seeds, after some day, new plants grow. These new plants require water and soil to grow properly. Okay. Fifth, what did early humans do to animal skin? Early humans collected animal skins to cover their body. All right. So with this, we have discussed all the question answers, children. I hope that you have understood the chapter quite well. आपको पता चल गया है कि पहले हम लोग कितनी मुश्किल से, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ancestors हैं, वो कितनी मुश्किल लाइफ लीड करते थे. धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करते गए, एक्सपेरिमेंट्स करते गए, अलग अलग इन्वेंशंस करते गए, और लाइफ आज बहुत ईजी हो गई है. राइट, सो चिल्ड्रन विद दिस वी एंड the journey of our book, that is Jelly Bean Journeys. This was the last chapter. I hope that you have understood all the chapters well and you have enjoyed the session also. I will meet you again with some important topic where we will learn something new someday. So till then, stay tuned and take care of yourselves. Bye bye.